नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जो आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा, वो कौन सा टॉपिक है? वो है टीचिंग स्टाइल्स एंड मेथड्स। क्या है? टीचिंग स्टाइल्स और मेथड्स। इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने जो है कुछ वीडियोज़ जो CDP से रिलेटेड डाल रखी हैं अपने चैनल स्टडी विद राहुल सागर में, आप उनको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उनको देख सकते हैं। ठीक, तो मैंने वहाँ पर प्याजी को कवर किया है, वाइगोस्की को कवर किया है, कोलबर्ग को किया है, जो कोलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है और प्याजी की जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, मैंने जो है वहाँ पर सभी को वहाँ पर अच्छे से कवर किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखिए, वो जो है वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। हम यहाँ पर जो है पूरी CDP को कवर करेंगे, जो किसी भी टीचिंग एग्जाम को टैकल करने के बहुत ही कारगर साबित होगी। ठीक, और बात कर लेते हैं यहाँ पर KVS की, तो KVS के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सभी वीडियोज़ यहाँ पर जो है हम KVS के लिए पूरी CDP को कवर करेंगे, जितना KVS में आने वाला है। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। यही थी इन्फॉर्मेशन, तो चलिए जान लेते हैं आगे के बारे में। तो टीचिंग स्टाइल्स एंड मेथड्स के बारे में बात करें हम, तो देर आर 3 मेजर टीचिंग स्टाइल्स दैट आर प्रीवलेंट इन क्लासरूम। देर आर थ्री मेजर टीचिंग स्टाइल्स दैट आर प्रीवलेंट इन क्लासरूम। मतलब तीन मेजर टाइप होते हैं टीचिंग स्टाइल्स के, जो एक क्लासरूम में होते हैं। तो वो किस किस तरीके के होते हैं? एक होता है परमिशिव। क्या? एक होता है परमिशिव, दूसरा होता है अथॉरिटेटिव, दूसरा कौन सा होता है? अथॉरिटेटिव, और तीसरा होता है डेमोक्रेटिक। ठीक, परमिशिव को हिंदी में क्या कहते हैं? परमिशिव को हिंदी में कहते हैं अनुमोदक, और अथॉरिटेरियन को कहते हैं सत्तावादी, और जो डेमोक्रेटिक टीचर होता है वो कौन सा होता है, उसे क्या कहते हैं हम हिंदी में? उसे कहते हैं लोकतांत्रिक। ठीक, तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में डिटेल में। परमिशिव टीचर क्या होता है, अथॉरिटेरियन टीचर कैसा होता है, डेमोक्रेटिक टीचर कैसा होता है, इनके बारे में जान लेते हैं। तो चलिए, द परमोशिव, परमिशिव, ठीक, परमिशिव को हिंदी क्या कहते हैं? अनुमोदक। ठीक, establish few rules, जो permissive teacher होता है कुछ rules को establish करता है, मतलब कुछ रूलों का, कुछ rules का, कुछ regulations का निर्माण करता है। establishes few rules या फिर less rules, the teacher are inconsistent in enforcing rules or applying consequences for misbehavior। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, जो permissive teacher होता है कुछ rules establish करेगा, but उनको बच्चे फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं उस चीज़ का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो रूल्स बना तो देता है परमिसिव टीचर, बट उनके एनफोर्स, मतलब वो लागू अच्छे से हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, इन पर वो उसका कोई ध्यान नहीं होता है। हम अगर एक तरीके से एग्जांपल यहाँ पर लेने की कोशिश करें, आपने देखा होगा कि कुछ जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर जाड़ों में, मतलब जो सर्दी का मौसम होता है उस टाइम में, कुछ मैडम होती हैं जो क्या एक तरीके से स्वेटर बुनने ले आती हैं, बच्चों पर उनका कोई ध्यान ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या मतलब किस तरीके की वहाँ पर बकवास चली है उनका कोई मैटर नहीं है, बस वो केवल अपने स्वेटर बुनने में लगी रहती हैं। तो ये जो है एक तरीके से उदाहरण है परमिसिव टीचर का। क्या? परमिसिव टीचर का, मतलब अनुमोदक टीचर का। तो ये कुछ रूल्स वहाँ पर इस्टेब्लिश तो किए जाते हैं, बट वहाँ पर रूल्स फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं उनका इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं होता है। तो क्या है, मतलब इन रूल्स को टीचर जो है क्या लागू नहीं कर पाता है। ठीक, जो रूल्स वहाँ पर इस्टेब्लिश किए गए हैं बच्चों के लिए। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं आगे की। आगे जो है वो हमारा होता है अथॉरिटेरियन। क्या? अथॉरिटेरियन, सत्तावादी, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? सत्तावादी। द टीचर इस्टेब्लिशेस क्लासरूम रूल्स एंड द स्टूडेंट्स रोल इज टू कंप्लाई विद रूल्स। ठीक, और लर्निंग इज टीचर सेंटर्ड एंड स्ट्रिक्ट टीचिंग स्टाइल्स। अथॉरिटेरियन मतलब जो सत्तावादी टीचर होता है क्या करता है, इस्टेब्लिश क्लासरूम रूल्स, मतलब क्लास के कुछ रूल्स को इस्टेब्लिश करता है, मतलब उनको बनाता है, और क्या करता है, और मतलब एक तरीके से जो बच्चे का रोल क्या होता है, बच्चा जो है उन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा। जो एक अथॉरिटेरियन टीचर के द्वारा जो बनाए गए रूल्स हैं उनको बच्चा क्या करेगा, फॉलो करने ही होंगे। ठीक, और क्या यहाँ पर जो लर्निंग होगी वो टीचर सेंटर्ड होगी। मतलब टीचर सेंटर्ड कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो चीज़ें टीचर पढ़ाएगा, मतलब टीचर के हिसाब से वहाँ पर चलेगा, जो काम चलेगा, जो टीचर, जो शिक्षण की प्रक्रिया चलेगी वो टीचर के हिसाब से चलेगी। ये चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि बच्चे की क्या डिमांड है, बच्चा क्या पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, जो अथॉरिटेरियन जो टीचर होगा वो बच्चों की डिमांड को पूरा नहीं करता, बस केवल वो आता है क्लासरूम में और बोर्ड पर लिखता है कि बच्चों कॉपी निकालो और
ये टॉपिक निकालो, अगर किसी ने आवाज़ की क्लास में तो बाहर बाहर खड़ा कर दूंगा। इस तरीके से बोल सकते कि जो ये दिस इज़ अ टाइप ऑफ अथॉरिटेरियन टीचर, ठीक। अगर कोई क्लास में बदतमीजी की या फिर कुछ इस तरीके से की तो वो मैं आपको सजा दूंगा। इस तरीके वाला जो टीचर होता है वो क्या होता है? अथॉरिटेरियन टीचर होता है, ठीक। बात कर लेते हैं डेमोक्रेटिक टीचर की। क्या? डेमोक्रेटिक टीचर की। डेमोक्रेटिक टीचर कौन होता है? डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक टीचर। यहाँ पर क्या होता है, टीचर इस्टेब्लिशेज अ क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड्स इनपुट ऑन नियरली ऑल इश्यूज ऑफ मैनेजमेंट। मतलब डेमोक्रेटिक टीचर क्या होता है, एक तरीके से पूरी चीज़ों को क्लासरूम में मैनेज करके चलता है। मतलब अगर बच्चे को किसी बच्चे की किसी की कोई नीड है तो उस नीड को जानने की कोशिश करेगा और अपने प्रयासों से उसको पूरी करने की भी वहाँ पर कोशिश करेगा। बच्चों की क्या डिमांड है, वो किस तरीके से समझना चाहते हैं, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको जानने का कारण जानने की कोशिश करेगा, वो क्यों नहीं समझ पा रहा है बच्चा। तो यहाँ पर क्या है, बच्चों जो यहाँ पर जो टीचर होगा वो बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग चलेगा, और कहीं पर अगर कहीं पर ज़रूरत होती है कि स्ट्रिक्टनेस की तो वहाँ पर वो टीचर स्ट्रिक्टनेस भी होगा, मतलब एक स्ट्रिक्ट भी होने की कोशिश करेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, चीज़ों को एक तरीके से मैनेज करके दिखाया जाएगा एक टीचर के द्वारा। एक लोकतांत्रिक टीचर वो होगा जो सभी चीज़ों को मैनेज करके चलेगा और वहाँ पर जो अपनी जो टीचिंग की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेगा, ठीक। वेरी प्रिविलेजेस फॉर स्टूडेंट, वोटिंग प्रिविलेजेस फॉर स्टूडेंट। क्या है यहाँ पर, एक सेकेंड, ये जो है वोटिंग प्रिविलेजेस फॉर स्टूडेंट, ये वो ये वोटिंग प्रिविलेज मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो वोटिंग का अधिकार होता है, मतलब अगर मान कर चलिए कि कोई चीज़ है मॉनिटर, एक तरीके से मॉनिटर बना रहे क्लासरूम का, तो हर एक टीचर को मतलब हर एक बच्चे को वोटिंग करने का अधिकार देगा वहाँ पर जो टीचर है, ठीक। तो जनरली पॉजिटिव रिएक्शन टू स्टूडेंट्स डिजायर्स एंड नीड्स, मतलब जो एक सेकेंड, ये जो जनरली पॉजिटिव रिएक्शन टू स्टूडेंट्स डिज़ायर्स एंड नीड्स, मतलब अगर मान कर चलिए बच्चे की कोई डिज़ायर है या फिर उसकी कोई नीड है तो उनके प्रति जो है जो एक टीचर का जो रिएक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, सकारात्मक जो रिएक्शन देगा वो उसके, और वो जानने की कोशिश करेगा कि बच्चा क्या इच्छा करता है, उसकी क्या नीड है, और उस नीड के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, उसके लिए पॉजिटिव वर्क करेगा कि जो बच्चे की नीड है उसको कंप्लीट किया जाए, ठीक, जो डेमोक्रेटिक टीचर होगा, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, द अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल्स टेंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव एंड बिकॉज डिस्टर्बशन इन द क्लासरूम आर केप्ट टू मिनिमम, ठीक। यहाँ पर बताया गया है कि जो एक तरीके से जो अथॉरिटेरियन टीचर होता है और जो डेमोक्रेटिक टीचर होता है वो मोस्ट इफेक्टिव होते हैं। क्या? वो मोस्ट इफेक्टिव होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो टीचर होते हैं ये क्लासरूम में जो डिस्टर्बेंस होती है उसको कम करते हैं। मतलब इनके अगर इस तरीके का टीचर है क्लासरूम में तो वहाँ पर क्या होगा, उस क्लासरूम में जो डिस्टर्बेंस होगी वो बहुत ही कम होगी, ठीक। अथॉरिटेरियन टीचर एक वजह से बोल सकते हैं कि ये लाभकारी नहीं होगा, इसको हम एक तरीके से इग्नोर भी कर सकते हैं, बट जो डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल होगी वो एक बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी रखा जा रहा है, ना कि केवल टीचर के हिसाब से चीज़ों को चलाया जा रहा है क्लासरूम में, ना कि जो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल होगी यहाँ पर जो है बच्चों की चीज़ों पर फोकस करके, मतलब बच्चों की नीड पर फोकस करके जो यहाँ पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको किया जा रहा है, उसको पूरा कंप्लीट किया जा रहा है। बट अथॉरिटेरियन टीचिंग स्टाइल में क्या है, बस केवल जो टीचर जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको रख करके बच्चों को समझाया जा रहा है और बच्चे की कोई नीड है, कोई जरूरत है, उस पर कोई फोकस ना करके बस केवल अपनी ही धुन में लगे हुए हैं यहाँ पर टीचर। एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पर मोस्ट इफेक्टिव बताया गया है, बट डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल सबसे बेस्ट है, बट अथॉरिटेरियन कुछ जगहों पर सही हो सकती है। क्या? अथॉरिटेरियन जो टीचिंग स्टाइल है वो कुछ जगहों पर सही हो सकती है जहाँ पर जहाँ क्लास उस हिसाब की हो, जहाँ पर बच्चे उस हिसाब के हों, मतलब कुछ बच्चों पर होगा, बट जो हमारी NEP जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है या फिर जो हमारी पिछली वाली जो कुछ समिति थी उन्होंने क्या फोकस किया कि बच्चे को ना तो हमें डांटना है, ना हमें किसी तरीके का हार्म उससे मतलब चोट पहुँचानी है, बट बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हमें चलना है, उसके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना भी है चाहे वो गलत ही क्यों ना बोले, ठीक। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। आगे क्या है, फोर पेरेंटिंग स्टाइल्स, ठीक। क्या है? फोर पेरेंटिंग स्टाइल्स, मतलब यहाँ पर जो है चार प्रकार के पेरेंट की पेरेंट के बारे में बात की है, मतलब माता पिता, चार प्रकार के पेरेंट मतलब माता पिता के बारे में बात की है। अथॉरिटेटिव एक होता है, क्या? एक होते हैं अथॉरिटेटिव, ठीक। दूसरे होते हैं अथॉरिटेरियन, ठीक, अगर हम बात करें, और तीसरे होते हैं परमिसिव, और चौथे होते हैं अनइन्वॉल्व,
ठीक, इनके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। अगर हम इनकी अथॉरिटेटिव की बात करें तो अथॉरिटेटिव ये क्या होते हैं, अथॉरिटेटिव जो पेरेंट्स होते हैं, जो अथॉरिटेटिव इन्हें अधिकारवादी बोल सकते हैं हिंदी में, अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या होते हैं, ये एक तरीके से केयरफुल होते हैं, बच्चों की केयर करते हैं, सेंसिटिव होते हैं बच्चों को लेकर के, अपने बच्चों पर कंट्रोल भी करते हैं और एक तरीके से बेस्ट स्टाइल भी मानी जाती है ये। अथॉरिटेटिव जो पेरेंटिंग स्टाइल है एक तरीके से बेस्ट स्टाइल ऑफ पेरेंट्स है, ठीक, मतलब एक बेस्ट टाइप ऑफ पेरेंट्स है। ठीक, बात करें हम अथॉरिटेरियन की, इनका जो है बच्चों के प्रति कोई प्यार नहीं होता है, ये कोई केयर नहीं करते हैं, ठीक, क्या ये जो है बच्चे के प्रति कोई केयर नहीं करते, कोई इनकी कोई देखभाल नहीं करते हैं, ये कोई प्यार नहीं करते हैं बच्चों को। वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब एक बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब अगर बच्चे ने कुछ गलत कर दिया तो उसको वो सज़ा देंगे ही देंगे, ठीक, कि तूने ये गलत काम किया क्यों, ठीक, ये इस तरह के माँ बाप होते हैं। पनिशमेंट, मतलब यहाँ पर जो है अगर कोई कुछ गलत काम किया है तो वहाँ पर आपको पनिशमेंट मिलना निश्चित है, ठीक। और एक होते हैं परमिसिव टाइप के टीचर, एक होते हैं परमिसिव टाइप के टीचर, ये क्या होते हैं, होते हैं, मतलब जो बच्चों ने कह दिया, जो बच्चों ने बात कह दी तो वो अटल है इन इन माँ बाप के लिए, ठीक। नो लिमिट्स बाय पेरेंट्स, इनके जो है कोई सीमा, इनके इनके द्वारा जो हमारे जो परमिसिव जो पेरेंट्स होते हैं, जो अनुमोदक जो माता पिता होते हैं, उनके द्वारा कोई लिमिट सेट नहीं की हुई होती है अपने बच्चों के लिए, ठीक। तो और बात करें हम अनइन्वॉल्व्ड की, जो सबसे खराब पेरेंट्स होते हैं, क्या अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स, खराब तो नहीं हो सकते, मतलब जो पेरेंट्स हैं वो सबके सही होते हैं, चाहे वो अनइन्वॉल्व्ड हो या फिर परमिशिव हो या फिर अथॉरिटेरियन हो, बट एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो उनका बिहेवियर है वो गलत हो सकता है, ठीक, बट खराब नहीं हम बोल सकते, ठीक। बात करें हैं हम यहाँ पर अनइन्वॉल्व्ड की, नेग्लिजेंस, मतलब इनको कोई चिंता नहीं होती है कि वो क्या करें ना क्या ना करें, नो केयर, मतलब एक तरीके से एक देखभाल भी नहीं रखते हैं बच्चे की ये, ठीक। इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर बताया गया कि जो अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है, वो बेस्ट पेरेंट्स होते हैं, ठीक। चलिए आगे चल लेते हैं, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो फोर पेरेंटिंग स्टाइल हमने आपको बताई हैं, अथॉरिटेटिव, और एक है कौन सी अथॉरिटेरियन, और तीसरी कौन सी है परमिशिव, फोर्थ कौन सी है अनइन्वॉल्व्ड। इनकी जो हम डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो इनकी विशेषताएं हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक। तो चलिए वो क्या क्या है, अथॉरिटेरियन मतलब अथॉरिटेटिव मतलब अधिकारवादी जो पेरेंट है वो क्या है, बच्चे के पोषण पर ज़्यादा ध्यान देंगे, मतलब नर्चरिंग, मतलब उनको अच्छा खाने पीने को देंगे, ठीक। तभी तो जब एक बच्चे को अच्छा खाना पीना मिलेगा तो तभी तो वह उसका जो डेवलपमेंट है वो एक सही दिशा में जाएगा, ठीक। बाउंड्रीज, ये कुछ बाउंड्रीज भी सेट करेंगे, मतलब आपको एक तरीके से बोल सकते हैं कि अगर लड़की है, मान के चलिए एक लड़की है, तो आपको जो है 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलना है, इस तरीके के मतलब कुछ जो है बाउंड्रीज सेट, कुछ लिमिटेड बाउंड्रीज सेट कर दी जाएंगी आपके लिए कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है अथॉरिटेटिव पेरेंट्स के द्वारा। एक्सपेक्टेशंस, मतलब कुछ उम्मीदें भी हैं इनकी आपसे, क्या इनकी कुछ उम्मीदें भी हैं कि हमारा जो है बेटा पढ़ लिखकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इस तरीके की कुछ उम्मीदें हैं अथॉरिटेटिव टीचर्स की, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स की। रिस्पॉन्सिव, मतलब रिस्पॉन्सिव, अगर बच्चा कुछ कहता है उसके प्रति जो है तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं अपनी कि बच्चे आपको इस तरीके से काम नहीं करना है, इस तरीके से आपको करना है, मतलब एक तरीके से अगर मानकर चले कि बच्चे ने कुछ पूछा है तो यहाँ पर जो है ये जो अथॉरिटेटिव जो टाइप के पेरेंट्स होंगे ये बच्चे को रिस्पॉन्स करेंगे, ऐसा नहीं कि चुप लगा कि हमें नहीं पता कि तू कुछ भी कर ले, ठीक। तो एक्सेप्टिंग क्या होते हैं, एक्सेप्टिंग मतलब अगर एक्सेप्टिंग मतलब मानकर चलिए कि एक बच्चा कुछ करना चाहता है, मानकर चलिए किसी का फोकस है कि इंजीनियरिंग मुझे करनी है, तो वो क्या है एक तरीके से जो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को रखेंगे कि जा बच्चा कोई नहीं एक्सेप्ट है, मतलब तेरी जो विषय है वो एक्सेप्ट है, हमने कर ली कि जाओ तुम इंजीनियरिंग करो, मतलब हम तो तुम्हारे पर बेस्ट है, ठीक। तो ओपन कम्युनिकेशन, ये जो है खुल्लम खुल्ला बात करते हैं चीज़ों के बारे में, अगर आपने मानकर चलिए बोल सकते हैं कि लव अफेयर के बारे में बोल सकते हैं कि जो लव अफेयर होता है बच्चे के सामने, मान के चलिए कोई बच्चा कहता है कि मुझे शादी करनी है, कोई बात नहीं तो कर लीजिए, मतलब ओपन कम्युनिकेशन होता है यहाँ, ठीक। बच्चे मतलब कुछ कहने में शर्म नहीं है, अगर मान के चलिए कुछ भी चीज़ों को अगर बच्चा बताना चाहता है तो वहाँ पर जो है वो जो माँ बाप हैं जो अथॉरिटेटिव टाइप के जो पेरेंट्स हैं वो कह सकते हैं बच्चे कोई नहीं आप ओपन बता सकते हैं हमें क्या भी कोई भी दिक्कत है। तो एक डिसिप्लिन है, मतलब क्या है यहाँ पर एक डिसिप्लिन भी है, एक अनुशासन भी होना चाहिए यहाँ पर, मतलब अथॉरिटेटिव टाइप के जो पेरेंट्स चाहते हैं वो एक डिसिप्लिन में भी रहते हैं, ठीक, रहते हैं, मतलब बच्चों को अपने में डिसिप्लिन में भी रखते हैं, ठीक। बात कर लेते हैं अगले टाइप ऑफ पेरेंट्स की, द परमिसिव, कौन से हैं वो है परमिसिव, ठीक, अनुमोदक, मतलब कि नर्चरिंग, ये थोड़ा मतलब ये अपने पोषण पर ध्यान देते हैं बच्चों के पर। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट मतलब ये जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इंडल्जेंट,
लिटिल कंट्रोल मतलब बहुत थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, गिविंग इन मतलब चीज़ों को देने में बहुत ज़्यादा वो रखते हैं, मतलब फोर फ्यू और इनकंसिस्टेंट बाउंड्रीज, कुछ ही बाउंड्रीज सेट की हुई हैं इनके द्वारा, मतलब कुछ ही बाउंड्रीज इनके द्वारा सेट की हुई होती हैं, ठीक, मतलब ज़्यादा ज़्यादा नहीं होती, बस थोड़ी ही होती है, मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक। बात कर लेते हैं अनइन्वॉल्वड की, क्या अनइन्वॉल्वड की, ये जो है असंबद्ध असंबद्धता, रिजेक्टिंग ये जो अनइन्वॉल्वड टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं ये हमेशा रिजेक्ट ही करते रहते हैं बच्चे को, मतलब कहने का यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊँ, जैसे मान के चलिए कि बच्चा जो है 99% ले आया, एक बच्चा जो है 99% ले आया और उसके माँ बाप कैसे हैं, अनइन्वॉल्वड है, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक, वो चाहते थे अगर वो 99% बच्चा भी ले आया तो वो चाहते थे कि ये 100% क्यों नहीं लाया, 1% कहाँ पर गया उस बच्चे का, तो ये क्या है, ये एक अनइन्वॉल्वड टाइप के पेरेंट्स हैं, ये जो है बच्चे को हमेशा रिजेक्ट ही करेंगे, चाहे वो बच्चा कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो या फिर कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, तो इनके जो है बच्चे इनके प्रति मतलब इन टाइप के पेरेंट्स का जो है बच्चे के प्रति एक तरीके से रिजेक्टिंग टाइप का बिहेवियर ही होता है, नेग्लेक्टिंग, हरदम हमेशा नेग्लेक्ट करते रहेंगे, सेल्फ ऑब्जर्व्ड मतलब खुद ऑब्जर्व करते हैं, नो बाउंड्रीज, इनके द्वारा कोई बाउंड्री सेट नहीं की गई है, तो भाड़ में जा, चूल्हे में जा, कहीं भी जा, ठीक, बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे कौन सा है हमारा, आगे है द अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ पेरेंट्स, अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ पेरेंट्स, ये स्ट्रिक्ट होते हैं, क्या स्ट्रिक्ट होते हैं, हाई एक्सपेक्टेशन, इनकी बहुत बड़ी उम्मीदें होती हैं इनकी, ठीक, गिव ऑर्डर्स, ये ऑर्डर देते रहते हैं बच्चों को हमेशा, कंट्रोलिंग अपने कंट्रोल में रखते हैं, अनसपोर्टिव, ये बहुत मतलब सपोर्ट नहीं करते, ठीक, अथॉरिटेरियन टाइप के जो पेरेंट्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, हाई एक्सपेक्टेशन मतलब इनकी जो है हमारी मतलब इनकी जो है बहुत सारी उम्मीदें होती हैं बच्चों से, अपने बच्चों से, ये हमेशा ऑर्डर देते रहते हैं, हमेशा बच्चों को कंट्रोल में रखते हैं कि 6 बजे के बाद आप जो घर से नहीं निकल सकते, ठीक, इस तरीके से अनसपोर्टिव, अगर मान के चलिए कि उन्होंने बच्चे ने कहा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी तो मैं नहीं करूँगा सपोर्ट आपको जो है, कि वो जो जो अथॉरिटेरियन टाइप के जो टीचर होंगे वो मतलब अथॉरिटेरियन टाइप के जो पेरेंट्स होंगे वो कहेंगे कि नहीं मुझे जो है तुझे CA करानी है, कि तू जा CA कर, इंजीनियरिंग तुझसे नहीं हो पाएगी, जा तू CA कर, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तू चल, ठीक, यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ठीक। बात कर लेते हैं द टीचिंग स्ट्रेटजीज की, हमने ये समझ लिया द फोर पेरेंटिंग स्टाइल्स के, हमने फोर पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में हमने जाना और कुछ टीचिंग स्टाइल्स के बारे में जाना, टीचिंग स्टाइल्स कौन कौन सी, परमिसिव, अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक, उनके बारे में हमने जाना है, फोर पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में जाना है, फोर पेरेंटिंग स्टाइल कौन कौन सी है, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन और परमिसिव और अनइन्वॉल्व, इन चार पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में हमने जाना है डिटेल में, ठीक। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, इसके बारे में टीचिंग स्ट्रेटजीज मतलब रणनीतियाँ शिक्षण के बारे में, ठीक। चलिए ये क्या है द टीचिंग स्ट्रेटजीज, टीचिंग एक सेकंड ये क्या हो गया, टीचिंग स्ट्रेटजीज आर यूज्ड फॉर अचीविंग द टीचिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कीपिंग इन द व्यू द क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड द टीचर्स एटीट्यूड, टीचिंग स्ट्रेटजीज कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, मतलब इनको जो है टीचिंग स्ट्रेटजीज को दो भागों में डिवाइड किया गया है, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। जो ये जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं, जो शिक्षण की जो रणनीतियां हैं, उनको जो है इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो शिक्षण के जो गोल्स हैं, जो शिक्षण के जो गोल्स सेट किए गए हैं उनको प्राप्त किया जा सके, जो उद्देश्य एक टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के होते हैं उनको अचीव किया जा सके, ठीक। जो टीचिंग स्ट्रेटजीज का यूज़ क्यों किया जाता है, जो टीचिंग के गोल्स हमने बनाए हैं, सेट किए हैं, जो टीचिंग के उद्देश्य हमने सेट किए हैं उनको हम प्राप्त कर सके। द क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड द टीचर एटीट्यूड्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज कैन बी डिवाइड इनटू, मतलब क्लासरूम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और टीचर के एटीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है टीचिंग स्टाइल्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है वो है कौन कौन सी, एक सेकेंड, ये है ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक। कौन कौन सी है, ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज और दूसरी कौन सी है, डेमोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटजीज। जो ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजीज होती हैं, जो हमारी ऑटोक्रेटिक जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो कैसी होती हैं, टीचर सेंटर्ड होती हैं, और हम बात करें यहाँ पर डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज की तो वो कैसी होती हैं, चाइल्ड सेंटर्ड होती हैं, ठीक। ये जो है ये काफ़ी सारी इसमें जो है ऑटोक्रेटिक में अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बताया है और जो डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजीज हैं उनके बारे में बताया गया है, ठीक। तो हम जो है इनके बारे में कल समझेंगे, आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है और
आगे हम कुछ मेथड्स को करेंगे जो ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजीज हैं, जिसके बारे में जिसमें हम लेक्चर मेथड को समझेंगे, और उसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है, उनके लाभ क्या है, उनके लाभ हानि क्या है, ठीक। तो इस तरीके से हम जो है आगे कुछ 15-20 कुछ मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे जो किसके अंतर्गत आती हैं, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक के अंतर्गत आती हैं। ऑटोक्रेटिक वो टीचिंग स्टाइल्स हैं, वो टीचिंग मेथड्स हैं जो टीचर स्टैंडर्ड है, मतलब जिसमें जो टीचर के अकॉर्डिंग वहाँ पर काम चलता है। अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल्स की, तो डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल्स वो होती है जहाँ पर बच्चे को भी बोलने का मौका दिया जाता है, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पर शिक्षण किया जाता है, ठीक। तो ये क्या है, चाइल्ड सेंटर टाइप ऑफ टीचिंग स्टाइल है, या फिर चाइल्ड सेंटर टाइप ऑफ टीचिंग मेथड है डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड, ठीक। तो चलिए, यही थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक। तो चलिए, यही थी हमारी आज की वीडियो। हमने जो है पहले वीडियोस बनाई है दोस्तों, प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, वो जो है आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। तो चलिए, हमारी आज की यही थी वीडियो। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।